सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग रवीश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को ट्रोल कर रहे हैं। कारण, जो वो व्यक्ति उस वीडियो में दिख रहा है वो रवीश कुमार के जैसा ही दिख रहा है और उसकी कुछ अजीब तरह की हरकतें हैं जिसको देखकर लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, जैसा कि आपको बता दें। लेकिन रवीश कुमार ने दावा किया है, आम यूजर्स ही नहीं, वहाँ पे बीजेपी की कई बड़े वेरीफाइड अकाउंट हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, उस वीडियो को शेयर किया हुआ है, एमएलए भी हैं बीजेपी के, वो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में रवीश कुमार का दावा किया गया है कि ये आईटी सेल का काम है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है और उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। रवीश कुमार ने बताया है कि उस वीडियो में वो व्यक्ति कौन है जो रवीश की तरह दिख रहा है, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि वो कौन है। तो उसका वीडियो में दिखने वाले पत्रकार जम्मू कश्मीर के रिपोर्टर फैयाज बुखारी हैं, वो जो रवीश कुमार की तरह दिखने पर वो रवीश कुमार नहीं। रवीश कुमार का ये दावा किया है कि लोगों को मतलब ऐसा दिखाते रहते हैं कि मतलब कि गोदी मीडिया को बचाने के लिए ऐसा कहा गया कि गोदी मीडिया कौन है आप जानते हैं, किसको कहते हैं रवीश, तो गोदी मीडिया को बचाने के लिए मुझे बदनाम किया जा रहा है और लोगों को बीच में भ्रम फैलाकर मुझे वो करने की कोशिश है, जबकि उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। वो जम्मू कश्मीर के पत्रकार फैयाज बुखारी का वीडियो और मैं उस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक व्यक्ति जो जमीन पर लेटा हुआ है और जमीन पर गोते खा रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जैसे कभी कोई अक्सर आपने कई पुराने पौराणिक मंदिरों में देखा हो, लोग जब अपनी मन्नतें मांगते हैं तो लेट लेट के पूरा करते हैं, तो कोई वहाँ पे जमीन पर लेट कर रवीश की तरह एक शकल का ही व्यक्ति गोल गोल घूम रहा है लेट कर जमीन पर ऐसे, तो उस पर गाना को लोगों ने ट्रोल कर रहे हैं, नागिन डांस का गाना लगा के उस पर जो है रवीश को ट्रोल कर रहे हैं कि बोल रहे हैं रवीश हैं, क्योंकि चेहरा कुछ ना कुछ पुराना वीडियो होने के कारण रवीश कुमार की तरह मिल रहा है। लेकिन रवीश ने उस वीडियो को करते हुए कहा कि वो मैं नहीं हूँ, आईटी सेल का ये किया धरा है, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि नया नया सिगुफा खड़ा करके लोग जो हैं अपनी तरफ, जो कुछ लोग हैं जो भक्त लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश है, ये कहीं ना कहीं सीधे जो है मोदी फैंस पे टारगेट किया गया है, भक्त कहकर मतलब उन्होंने ये चीज़ कही। और दूसरा जो उन्होंने दूसरी चीज़ कही है वो ये कहा है कि जो लोग मतलब उसमें देख रहे हैं वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब क्या वाकई में वो हैं या नहीं उस वीडियो में। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के फैयाज बुखारी हैं, मैं नहीं हूँ। वो उनको बदनाम करने की सिर्फ एक कोशिश है जो आईटी सेल कर रहा है, यानी कि आईटी सेल बीजेपी का आईटी सेल, उस पर कहा है। अब आगे क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, जिसको पता होगा वो आपको बताएंगे।